हेलो गाइस, मेरा नाम है पराग पाल और आपका स्वागत है मेरे नए वीडियो में। तो दोस्तों, आप जानते ही हैं कि मैं आपके लिए हमेशा नए वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो ये मेरा पार्ट नंबर 8 है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा रेडिएशन मेथड के बारे में। ठीक है, रेडिएशन मेथड के बारे में, ठीक है, जिसमें आप सीख पाओगे कि किस तरीके से रेडिएशन मेथड आइडेंटिफाई करती है वाटर कंटेंट को। ये मेथड सबसे एक्यूरेट मेथड है इन इन सीटू कंडीशन टू डिटरमाइन द वाटर कॉन्टेंट। वेरी एक्यूरेट मेथड, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, अब ये कैसे यूज होती है, क्या क्या इसमें यूज होता है, अच्छा कौन सा चीज़ है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको मतलब एग्जैक्टली वाटर कॉन्टेंट प्रोवाइड करता है, अभी मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या होता है, कोबाल्ट 60, ठीक है, कोबाल्ट 60 के नाम का एक हमारा आइसोटोप इसमें यूज होता है। ठीक है, आइसोटोप्स क्या होता है इसमें हमारे यूज होता है। ठीक है, तो ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप मटेरियल है कोबाल्ट 60, जो कि हमें क्या करता है, जो हम एक कैप्सूल के अंदर प्लेस करते हैं, और यही मटेरियल हमें क्या करता है, रेडिएशंस का रेडिएशन प्रोवाइड करता है, जिसके माध्यम से हम डिटेक्टर का यूज करके वाटर कंटेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको चलो डायग्राम निकाल के दिखाता हूँ। मान लो कि ये आपका ग्राउंड लेवल है, इसमें हम क्या करते हैं, दो कैप्सूल इंसर्ट करते हैं एट सर्टेन डिस्टेंस पे। ठीक है, ये मान लो एक आपकी एक कैप्सूल है, ठीक है, और एक दूसरी कैप्सूल है जो कि हम ऑलरेडी सॉइल के मतलब जमीन के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, और इसमें एक थोड़ी सी ओपनिंग रहती है, दोनों साइड में थोड़ी ना थोड़ी ओपनिंग रहेगी पैरेलल डिस्टेंस पे। ठीक है, और उसमें हम क्या करते हैं, हम जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हम उसमें क्या करते हैं, कैप्सूल इंसर्ट करते हैं, तो ये आपको इधर क्लियर करना पड़ेगा इतना, ओके। तो हम उसके अंदर क्या करते हैं, कैप्सूल डालते हैं जो कि है कोबाल्ट 60, ठीक है, क्लियर। तो इसको हम बोलेंगे कैप्सूल, और ये है अपने स्टील केसिंग। ठीक है, क्लियर, जिसको मैं ए बोल देता हूं, ये भी मेरी स्टील की केसिंग है। ठीक है, और यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं डिटेक्टर प्रोवाइड करता हूं। डिटेक्टर क्या करेगा, जो भी यहां से रेडिएशन इमर्ज होंगे वो कैप्चर करेगा। ठीक है, क्लियर। लेकिन उसके बीच में, इसके बीच में क्या होता है, ये सारा सॉइल मास होता है। ठीक है, ये पूरा सॉइल मास होता है। ठीक है, ये पूरा सॉइल है। ठीक है, दिस इज टोटल सॉइल, क्लियर। और ये जो सॉइल में क्या होता है, हाइड्रोजन एटम्स ऑफ वाटर रहते हैं। ठीक है, सॉइल में क्या रहते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम्स ऑफ वाटर इन सॉइल, क्लियर है। अभी इसकी प्रोसेस देखो क्या होती है। तो स्टील केसिंग में एक छोटी सी ओपनिंग होती है, हमने उसमें डाल दिया क्या, कैप्सूल डाल गया कोबाल्ट 60, और हमारा दूसरे साइड पे मतलब बी साइड पे हमारा एक कैप्सूल हमने डाल दिया, जिसमें हमने डिटेक्टर डाल दिया। अभी क्या होता है, प्रोसेस ऐसी है कि इसमें जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, जब भी मैं कैप्सूल डाल दिया तो कैप्सूल क्या करता है, कुछ रेडिएशंस देते हैं, जिससे क्या होता है, न्यूट्रॉन्स इमिटेड होते हैं। ये जो क्या होते हैं, इससे क्या होता है, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स इमिटेड होते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, इमिटेड होते हैं बाय रेडियो एक्टिव मटेरियल जो कि है हमारा कोबाल्ट 60, और उससे क्या होता है, जो भी हाइड्रोजन एटम्स इन वाटर ऑफ सॉइल में जो है वो स्कैटरिंग करते हैं। स्कैटर मतलब इधर इधर उधर उधर भागते हैं, तो न्यूट्रॉन्स इमिटेड होते हैं। जैसे ही आपके न्यूट्रॉन्स इमिटेड होते हैं, तो वो क्या होते हैं, न्यूट्रॉन जो होते हैं स्कैटर्ड होते हैं, मतलब इधर एक पर्टिकुलर से स्ट्रेट डायरेक्शन में नहीं जाते, वो क्या होते हैं, इधर जाएंगे, मतलब आपके जो न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये जो न्यूट्रॉन्स है इधर जाएंगे इधर जाएंगे इधर जाएंगे, ऐसे किधर भी जाते रहेंगे। और आपको तो पता है कि यहाँ पे ये जो पूरे सॉइल मास में आपके हाइड्रोजन एटम्स अवेलेबल है। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम्स अवेलेबल होने की वजह से ये जो न्यूट्रॉन्स के जो पार्टिकल्स न्यूट्रॉन्स जो है वो आपके हाइड्रोजन एटम को क्या होता है, स्ट्राइक होते हैं। मतलब मान लो ये आपका न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन्स है और ये हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे को क्या होते हैं, स्ट्राइक होते हैं, बिकॉज रैंडमाइजेशन स्कैटरिंग हो रही है। ठीक है, स्कैटरिंग मतलब क्या, किधर भी जाना। ठीक है, और हाइड्रोजन एटम ऑलरेडी उसमें सॉइल के इसमें अवेलेबल है, तो जैसे ही आपके न्यूट्रॉन्स हाइड्रोजन एटम को टकराते हैं, तो उसके वजह से क्या होता है, वो एनर्जी लूज करते हैं। तो ये रिजल्ट क्या होता है, इससे इससे होता है लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, लॉस ऑफ एनर्जी होती है। जैसे आपकी लॉस ऑफ एनर्जी होती है, तो एक चीज ध्यान में रखना कि लॉस ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, लॉस ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर प्रेजेंट।
is proportional to the quantity of water present in the soil. ठीक है, क्लियर। मतलब अगर आपके लॉस ऑफ एनर्जी हो रही है, मतलब आपके न्यूट्रॉन हाइड्रोजन एटम के साथ टकरा रहे, तो लॉस ऑफ एनर्जी हो रही है, तो वो लॉस ऑफ एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगी द क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल इन द सॉइल। मतलब इसका मतलब ये कि आपके सॉइल में उतना अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर है, तो इसके वजह से जो आपका डिटेक्टर है वो क्या करता है, डिटेक्ट करता है द कैलिब्रेटेड टू गिव द वाटर क्वांटिटी। ठीक है, ये डिटेक्टर बहुत कैलिब्रेटेड होता है, तो ये डायरेक्ट डिटेक्ट करता है इस अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी को डिटेक्ट करता है, तो जितनी लॉस ऑफ एनर्जी होगी उतने अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर आपको मिलेगा। ठीक है, ये मेथड एक्सट्रीमली यूजफुल है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर ऑफ कॉन्टेंट ऑफ सॉइल इन सीतु। इन सीतु मतलब ऑन द साइट कंडीशन। ठीक है, और ये मेथड बहुत यूजफुल है बिकॉज इट मे बी लीड टू रेडिएशन प्रॉब्लम्स इफ प्रॉपर शेडिंग प्रिकॉशन हैज नॉट टेकन। ठीक है, ये मतलब आपको बहुत केयरफुली इसको हैंडल करना होता है, अगर हैंडल नहीं किया तो कोबाल्ट 60 जैसे जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो आपको थोड़ा प्रॉब्लम प्रोवाइड कर सकते हैं, तो इसलिए आपको इसको प्रॉपर शेडिंग प्रोवाइड करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल डिटर्मिनेशन। ठीक है, जिसमें पिकनोमीटर मेथड से हम ट्राई करेंगे जो हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड निकालेंगे। अभी तक तो हमने वाटर कंटेंट ही निकाला है। ठीक है, तो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।